और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने बारिशों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिन्हें स्क्वायर और अतराफ के इलाकों से निकलने वाले जुलूस के रास्ते हमवार करने के कामों का मुआयना किया। कहते हैं इतनी बारिश में पानी की निकासी बहुत मुश्किल है, जुलूस के रास्ते को बेहतर और हमवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा साहब ने। बहुत शुक्रिया नैयर रजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताइएगा, मुसलसल बारिशें बढ़ती जा रही हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अपने ज़िले की? अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट की आप बात करते हैं तो ओवरऑल सिचुएशन कहीं ऐसी नहीं है किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और सिचुएशन नॉर्मल है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में शाफत सर मलीर कॉलोनी की 6 यूनियन काउंसिल, कोरंगी की 13 यूनियन काउंसिल, आधा लांडी तकरीबन लांडी की 10 यूनियन काउंसिल आती है। तो इन इलाकों में कहीं पर भी कोई फ्लड कंडीशन नहीं है। कुछ जगहों पर जब बारिश 6-7-8 घंटे हुई और मलीर में कल रात से बारिश हो रही थी तो उस वक्त पानी बिल्कुल रोडों पर मौजूद था, लेकिन अभी आप अगर आप इस वक्त देखेंगे तो इस वक्त आपको बहुत कम रोड्स होंगे जहाँ पे पानी नजर आएगा। काफी हद तक पानी निकल चुका है और घरों में किसी के भी पानी ऐसा नहीं हुआ है जैसे कि हम टीवी के ऊपर बहुत सारे देख रहे हैं, दूसरे मकाम दूसरी जगहों की पिक्चर्स जो आ रही हैं, फुटेजेज आ रही हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ये सिचुएशन अभी किसी भी एरिया के अंदर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा साहब हमसे बात कर रहे थे। और साथ ही साथ